अनार के पत्ते भी किसी औषधि से कम नहीं है। इनका सेवन भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के साथ साथ हमारे बहुत से रोगों से हमें छुटकारा दिलाता है, जैसे पेट दर्द, दस्त, लीवर, इनके लिए काफ़ी फायदेमंद है और अनिद्रा रोग को भी दूर करता है। साथ में आपकी भूख बढ़ाता है, स्किन को जवां और झुर्रियों रहित रखता है और भी बहुत सारे फायदे हैं अनार के पत्तों से। इसका लेप करने से एक्जिमा तक की बीमारी दूर हो जाती है। साथ में मुंह के छाले हों, चाहे लीवर आते हों या आपकी खांसी हो, जुखाम हो, उनमें भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है अनार के पत्तों का रस या सीधे पत्ते खाना। तो अगर आप नींद से परेशान है, अनिद्रा रोग है, तो इसके लिए आपको ताज़ा पत्तियों को साफ धोकर 3 ग्राम इसका जूस निकालें और 20 ग्राम पानी में मिलाकर इसे 100 ग्राम रहने तक उबालें और रात के समय सोने से पहले आप गुनगुना इसे पिएं। आपको अनिद्रा रोग से छुटकारा मिलेगा और नींद काफ़ी अच्छी आएगी। साथ में खांसी से परेशान हैं तो पत्तियों को काढ़ा बनाकर दिन में 3 से 4 बार पी सकते हैं। काढ़े के लिए आप 8-10 ताज़ा पत्तियां लें, साफ धोकर इसे 1 लौंग, 6 काली मिर्च, 1 इंच आधा अदरक और 1 गिलास पानी में इसे आधा रह जाने तक बॉयल करें। उसके बाद दिन में थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार इसे पिएं। आपको खांसी से लाभ मिलेगा और साथ में गले का इन्फेक्शन भी इससे दूर होगा। पाचन तंत्र के लिए अनार के पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। आपका पेट दर्द है, अपच है, खट्टी डकारें हैं, इन जैसी समस्याओं के लिए आप अनार के पत्तों को एक औषधि के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे आप सुबह सुबह ताज़ा पत्तियां खाएं या पत्तियों का रस बनाकर थोड़ा थोड़ा दिन में 1-2 बार लें, इससे आपको इन बीमारियों में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पत्तियों में मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देते हैं और पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। अगर आप दस्त से परेशान हैं तो 50 ग्राम अनार के जूस में 5 से 10 ग्राम के लगभग अनार के पत्तों का जूस मिलाकर पिएं, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर मुंह में बार बार से होने वाले छालों से परेशान हैं तो अनार की कुछ पत्तियां लें, उन्हें मसल कर जूस निकाल कर तुरंत छालों पर लगाएं और अनार के पत्तों को पानी में उबाल कर दिन में 2 से 3-4 बार मुंह में घुमाएं और 2 मिनट के बाद फिर इसे कुल्ला कर लें। ऐसा दिन में 3-4 बार करें तो आपको बार बार जो छालों के होने की समस्या है उनसे छुटकारा मिलेगा। साथ में आपके मुंह की दुर्गंध भी दूर होगी क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो बार बार इन छालों के इन्फेक्शन से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ में आपके दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं ऐसा करने से। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भी आप 5-6 पत्तियों को चबाकर इसका जूस पी सकते हैं या जूस निकालकर भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अनार की जो पत्तियां हैं उन्हें पहले साफ़ पानी से अच्छे से धोना है, उसके बाद ही इन पत्तियों का सेवन करना है। चेहरे को अगर आप जवान बनाए रखना चाहते हैं तो पत्तियों को दही में मिलाकर पेस्ट तैयार करें और 20 मिनट तक आप अपने चेहरे पर लगा रहने दें। उसके बाद गुनगुने पानी से आप चेहरा धोएं। ऐसा करने से कील, मुहांसे, झाइयां, झुर्रियां दूर होगी और चेहरा जवां और खूबसूरत बना रहेगा। अगर आप स्किन एलर्जी से परेशान हैं, जैसे एक्जिमा हो या कोई खुजली हो, तो उसके लिए भी अनार के पत्ते काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। अनार के पत्तों को पीस कर एलर्जी वाली जगह पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसा ही रहने दें, फिर पत्तियां झड़क जाएगी और रस स्किन पर लगा रहेगा। तो उसके बाद आप जो है कुछ देर बाद ठंडे पानी से इसे साफ कर लें। ऐसा करने से आपका एक्जिमा दूर होगा, खुजली, खारिश या स्किन की जो एलर्जी है वो दूर होगी और आपको ऐसा करने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहते हैं अनार की पत्तियां। इनको पीस कर इनका जूस निकालें, दही में मिलाकर एक पैक तैयार करें और बालों पर लगाएं।
बालों पर लगाने के बाद आप आधे घंटे बाद बालों को धो लें ठंडे पानी से। ऐसा करने से आपके बालों में रूसी नहीं रहेगी, सिकरी नहीं आएगी, बाल घने, काले और लंबे भी रहेंगे। साथ में और भी स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी दूर होगी, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।